आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। और इस आइसक्रीम को हम मात्र दूध से बनाकर तैयार करेंगे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस आइसक्रीम को तैयार करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 कप जितना दूध। मैंने यहाँ पर नॉर्मल डेयरी वाला दूध यूज़ किया है, आप चाहें तो इसकी जगह फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं। इस दूध को मैंने एक बार सुबह गर्म कर लिया था, उसके बाद ये एकदम रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो अभी हम इस दूध को गैस पर चढ़ा देंगे और इसे गर्म होने देंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ मैंने एक और अलग कप में आधा कप दूध ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा, आप चाहें तो इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2.5 कप जितना दूध यूज़ किया है। इसमें से 2 कप दूध को मैंने गर्म करने के लिए रखा था और आधे कप दूध में हम इसे मिक्स करेंगे। तो 2.5 कप जितना दूध है, इसके लिए हम 2.5 कप यानी कि 2.5 चम्मच जितना इसमें ये गेहूं का आटा मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। तो हमारा ये घोल बनकर तैयार है। अभी हम इस घोल को अपने उस दूध में मिक्स करेंगे। दूध में मिक्स करने से पहले एक बार इसे अच्छे से घोल लेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते जाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे जिससे कि दूध में लम्स ना आए। तो अभी हमारे दूध में उबाल नहीं आया है, आप देख सकते हैं दूध हल्का गर्म है। अभी हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से गर्म होने देंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर सुबह एक बार गर्म किया हुआ दूध लिया था, जिसकी वजह से जैसे जैसे दूध पकेगा उसके साथ हमने इसमें जो गेहूं का आटा डाला है वो भी पकने लगेगा, जिससे आपको आइसक्रीम में बिल्कुल भी आटे की स्मेल नहीं आएगी और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इस दूध को अच्छे से कम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम गैस के फ्लेम पर इसी तरीके से पकने देंगे। याद रखें, इसे लगातार चलाना ज़रूरी है। तो बस इसी तरीके से चलाते हुए इसे पका लेंगे। तो यहाँ पूरे 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन में जो दूध है वो काफ़ी थिक हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इस दूध को नहीं पकाना है। इस स्टेज में हम इस दूध में ऐड करेंगे मीठा। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप जितना दूध लिया था, तो इसके लिए मैं इसमें 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम जितनी चीनी डाल दूँगी। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी को दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे और चीनी को घुलने तक इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ अभी जो चीनी है वो दूध में अच्छे से घुल चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम जितनी है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह 4 चम्मच जितना कोकोआ पाउडर, अदरवाइज़ 1/2 कप जितना हर्षी सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ करके इस आइसक्रीम को बना सकते हैं। तो अभी हम डार्क चॉकलेट कंपाउंड को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि इसमें अच्छे से घुल ना जाए और इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो अभी आप देख सकते हैं दूध में एक उबाल आ गया है। तो अभी हमें इसे वापस से चलाते हुए कम से कम 1 मिनट के लिए और पका लेना है, जिससे हमारी जो चॉकलेट है उसका टेस्ट इस दूध में बहुत ही अच्छा आएगा। आप एक बार इस चॉकलेट आइसक्रीम को बना लेंगे तो यकीन माने बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको ये। तो अभी हमारा चॉकलेट का घोल अच्छे से पक चुका है, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चॉकलेट के मिक्सर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब पूरा मिक्सर अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हम पूरे चॉकलेट को मिक्सर को लेकर एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। जार के ढक्कन को लगाकर इसे अच्छे से लगातार कम से कम 10 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। इससे हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं मिक्सर जो है वो पहले से काफ़ी क्रीमी लग रहा है। तो बस अभी हमें इसे और ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। मिक्सर को लेकर जल्दी से किसी भी एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें आपको आइसक्रीम को सेट करने के लिए रखना है। मिक्सर को कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद कंटेनर को अच्छे से कवर कर देंगे और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में डाल देंगे। 2 घंटे के बाद आइसक्रीम को निकाल कर चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी जो आइसक्रीम है वो हल्का हल्का जमना स्टार्ट हो गई थी, तो इसे एक बार मिक्स कर देंगे। इस स्टेप को करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी। तो इस पूरी आइसक्रीम के मिक्सर को लेकर इसे वापस से उसी मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस आइसक्रीम को वापस से 10 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे,
जिससे हमारी जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी बनेगा। जिस तरीके की आइसक्रीम आप मार्केट से खाते हैं, इसका टेक्सचर कुछ उसी तरीके का आने वाला है। खाकर कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे मात्र दूध से बनाकर तैयार किया है। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए वापस से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इस मिक्सचर को वापस से एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पूरे आइसक्रीम के मिक्सचर को कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे कवर करके कम से कम 6 घंटे अदरवाइज़ ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में डाल देंगे। अगले दिन सुबह आइसक्रीम को चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अभी मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, कितने ज़्यादा क्रीमी लग रही है। जिस तरीके की चॉकलेट आइसक्रीम हमें मार्केट से मिलती है, कुछ उसी तरीके की एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी लग रही है। तो देखकर लग ही नहीं रहा है कि इस आइसक्रीम को हमने दूध से बनाया है। और इस आइसक्रीम में हमने आटा ऐड किया था। खाने के बाद इसमें बिल्कुल भी आटे की स्मेल नहीं आती है, तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को देखने के बाद टेंशन होगी कि कहीं इसमें आटे की स्मेल तो नहीं आएगी। तो जी नहीं फ्रेंड्स, मैंने इसे खुद टेस्ट किया है, बिल्कुल भी इसमें आटे की स्मेल नहीं आती है और ये एकदम बाज़ार जैसी लगती है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।